दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी किसी भी YouTube वीडियो का वॉच टाइम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी YouTube के ऑफिशियल एप्लीकेशन वाईटी स्टूडियो की। अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आप Google Play Store पर जाके YouTube स्टूडियो लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने YouTube का ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको कर लेना है ओपन। जब उसको ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और जीमेल आईडी लॉगिन करना होगा, पासवर्ड डालना होगा। तो उसके बाद जब लॉगिन करेंगे आपके सामने तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको अब करना क्या दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका चैनल खुल जाएगा, आपका आईडी का प्रोफाइल बनाया जाएगा। आपको करना क्या दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन लाइन देखने को मिल रही होंगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों जितनी भी आपके चैनल पे YouTube वीडियो होंगी, जितने भी अपलोड की होंगी, वो सभी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं सभी वीडियो। आपको जिस भी वीडियो का वॉच टाइम देखना है उस वीडियो को क्लिक कर देना। जैसे कि मैं इस वीडियो को क्लिक करूँगा, आपको जिस भी वीडियो का वॉच टाइम देखना है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा है वॉच टाइम मिनट 1872 घंटे चल मिनट सॉरी मिनट 1872 मिनट चली हुई है मेरी वीडियो। दोस्तों ये यहाँ पे सिर्फ सिंपल जानकारी दे रहा है अपन को। अगर अपन को इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए हो, जैसे कि अपनी एक घंटे में कितने लोग देख रहे हैं, एक हफ्ते में कितने लोगों ने देखी, एक महीने में कितने लोगों ने देखी, 28 में कितने लोगों ने देखी, एक साल में कितने लोगों ने देखी, तो वो देखने के लिए कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको आ जाना है गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉच टाइम मिनट, है ना, जैसे ये लिखा आ रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 28 डे, मतलब 1245 मिनट दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आपको टाइम बता रहा है ये एक महीने का टाइम बता रहा है, 28 दिन का बता रहा है कि आपकी 28 दिन में 1245 मिनट तक वीडियो चली हुई है। अब दोस्तों इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइफ टाइम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों ये बता रहा है 1868 मिनट मेरी वीडियो चली हुई है। जब से मैंने बनाई है वीडियो, जब से ही बनाई है, तब से लेके अभी तक 1868 मिनट चली हुई है। अब जैसे दोस्तों हम क्लिक करूँगा, मैं बंद एक हफ्ते का निकालना चाहूँगा, लास्ट 7 डे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरी एक हफ्ते में मेरी 111 मिनट चली हुई है वीडियो। और इस पर क्लिक कर दूँगा मैं, अगर 48 आवर्स का निकालना चाहूँगा यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये बताएगा मेरी 16 मिनट चली हुई है। अब दोस्तों मैं ये तो मिनट में बता रहा है, अब मुझे इसका घंटे में निकालना कितने घंटे चली हुई है मेरी ये वीडियो। उसके लिए करना क्या होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना और लाइफ टाइम पर क्लिक कर देना। ध्यान दीजिए जो लिखा आ रहा है यहाँ पर 1868, आपको करना क्या दोस्तों, कैलकुलेटर खोल लेना है। कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1868 भाग 60 कर दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए 31 घंटे 13 मिनट मेरी ये वीडियो चली हुई है। आपको 60 से भाग दे देना है। इस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो का वॉच टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी जानकारी मिली दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पर जो भी लोग नए हैं प्लीज लाल वाला बटन सब्सक्राइब करो, उसको दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगी दोस्तों प्लीज लाइक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।